नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। महत्त्वाची बातमी सुरुवातीला पाहूया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 4 जूनला अयोध्येला जाणार आहेत, मात्र याला भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी कडाडून विरोध केलाय। राज ठाकरेंनी उत्तर भारतीयांची माफी मागावी, तरच त्यांना अयोध्येत येऊ देऊ, अशी मागणी ब्रिजभूषण यांनी केलेली आहे। खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी साधू संतांसोबत बैठक घेतली आहे। आंदोलनाबाबतचा निर्णय देखील आज घेतला जाण्याची शक्यता आहे आणि राज ठाकरे यांना विरोध करण्याची रणनीती सुद्धा या बैठकीत निश्चित केली जाईल। दरम्यान राज ठाकरे हे उत्तर भारतीयांसाठी खलनायक असल्याची टीका सुद्धा ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी केलेली आहे, त्यामुळे आता राज ठाकरे यांचा हा दौरा संघर्षमय होणार असल्याचंच दिसतंय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का जो अयोध्या का दौरा है उसको लेकर भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध लगातार जारी है। आज नंदिनी नगर में संतों की बैठक है। सांसद का ये कहना है कि संतों के साथ बैठक कर उसके बाद रणनीति तय करेंगे। जो संतों का, चूंकि जो भी बड़े कार्य देश में हुए हैं वो संतों की अनुमति से, उनके ही मार्गदर्शन में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर अयोध्या से और आसपास के जो मठ हैं, मंदिर हैं, वहां से तमाम संत पधारे हैं और उनका कहना है कि संत जो दशा दिशा तय करेंगे, जो मार्गदर्शन देंगे। हमारे साथ तपस्वी, हमारे साथ छावनी के कमल नयन दास जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या रणनीति आज बनने वाली है और क्या तय करेंगे संत। जय सिया राम। ये सभी लोग राष्ट्र विरोधी हैं और समय आ चुका है अब राष्ट्र विरोधियों का सब प्रकार से सफाया हो जाएगा। राष्ट्र में हिंदू सब प्रकार से जागृत हो चुका है और बहुत दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी ही हम संविधान में भी राष्ट्र की रक्षा के लिए ये धारा 30 समाप्त करके समान संहिता लागू करेंगे। राष्ट्र अखंड होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। और ये तो सब अनर्गल बात करने वाले राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इनको अयोध्या आने की आवश्यकता का है क्या है? अच्छा, बाला साहब ठाकरे आए थे अयोध्या और जो राम मंदिर आंदोलन है उससे जुड़े रहे हैं, तो राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे को कैसे अलग देखते हैं? देखिए, बाला साहब ठाकरे, उनमें हिंदुत्व की लहर झलकती थी, राष्ट्र की लहर झलकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके वंशजों ने सब राष्ट्र को भूल गए और स्वार्थ के लिए राजनीति करते हुए राष्ट्र विरोधियों से संपर्क कर लिया। ये कितनी गलत बात है। अब समाज सब कुछ जान चुका है, ऐसे लोगों की जो वेशभूषा है सब कुछ उजागर हो चुका है। क्या मानते हैं जो भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो स्टैंड है वो विरोध कर रहे हैं, उसमें आप साथ देंगे और किस तरह से? हम लोग सब प्रकार से साथ देंगे, सब प्रकार से राष्ट्र विरोधियों के विरोध में हम सब प्रकार से खड़े हैं। ये थे कमल नयन दास, इनका कहना है कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, राज ठाकरे को राष्ट्र विरोधी बताया है और ये कहा है कि हिंदुत्व के नाम पर ये लोग खतरा हैं और राष्ट्र को हम मिटने नहीं देंगे। संत समाज ब्रिजभूषण सिंह के साथ खड़ा है और राज ठाकरे का लगातार विरोध करेगा। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज 18, नंदिनी नगर, गोंडा।